वन टैप कम लग रहा है। डेजर्ट टैगल नूब है भाई, 500 बेटर देन डेजर्ट टैगल। क्या है ये क्या है? तुम लोगों के कमेंट को देख रहे मेरे दिमाग में शायरी याद आ गई, सुनाऊं क्या? नहीं। तुम्हारी एंट्री होती है लेट, तुम्हारी एंट्री होती है लेट, पर जहाँ भी होती है फद्दू होती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट दोस्तों अभी आ चुका वक्त को बदलने का टाइम, तो अभी ये बोलने वाले आप डेजर्ट टैगल बेटर देन M500। तो इस वीडियो में आप जानने वाले हो डेजर्ट टैगल की लॉन्ग रेंज वन टैप ट्रिक, शॉर्ट रेंज वन टैप ट्रिक और क्लोज रेंज वन टैप ट्रिक, और रिकॉइल की ट्रिक भी इस वीडियो बताने वाला हूँ। अगर आपका गोली कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे चला जाता है या फिर बॉडी जाता है, तो भाई टेंशन मत लो, सब कुछ बदल देंगे अपन लोग। तो लेट्स गेट द वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस पहले पर बात करेंगे लॉन्ग रेंज की वन टैप हेडशॉट ट्रिक। वैसे तो गाइस ये काफी इजी ट्रिक है एज यू नो, बट अगर अपन लोग इसको थोड़ा सा दिमाग से ले तो काफी इजी हो जाता अपने लिए। अपन हर बंदे को वन टैप मार सकते हैं लॉन्ग रेंज के लिए। तो पहले अपन बात करेंगे एम की। तो एम के अंदर गाइस आपको सिंपली अपना जो एम है वो या तो रेड करना पड़ेगा या फिर एनिमी की बॉडी पर सेट करना पड़ेगा, तो दोनों चलेगा। यहाँ पर आप नोटिस करना मेरा एम रेड था और फिर मैंने टोटली एनिमी को वन टैप दे दिया, और फिर यहाँ पर नोटिस करना मैंने बॉडी पर एम को सेट कर रखा और फायर किया, भाई खतरनाक वन टैप गया। तो अपना एम का मीटर हो चुका सोल्व गाइस। तो अपन रेड एम करेंगे या फिर एनिमी की बॉडी पर एम को सेट करेंगे, दोनों अपन यूज करने वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली गाइस अभी बात करेंगे फायर कैसे करना है, और गाइस फायर के अंदर मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, दोनों ट्रिक को भाई ट्राई करना, जो ट्रिक वर्क करे उसको अप्लाई करना है। देखो पहले अपन को फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है, और दूसरी वाली ट्रिक के अंदर पहले फायर बटन को हल्का सा नीचे करना है और फिर अपन को ऊपर की तरफ इसको ड्रैग कर देना है। ये भी सिंपल है भाई, और ये M1887 के लिए भगवान साबित हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस मैंने अपना जो एम है वो टोटली एनिमी की बॉडी पर सेट किया और मैंने फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर दिया, भाई खतरनाक वन टैप गया। रुको रुको गाइस ये तो सब बताते हैं और एक पॉइंट कोई नहीं बताता, वो है ड्रैग का स्पीड। तो गाइस आपको ड्रैग का जो स्पीड है वो बिल्कुल ही हल्का रखना, अगर आपके पास भाई 1 GB रैम वाला फोन है तो भी आपको बिल्कुल हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। आप चाहे पहली वाली फायर ट्रिक का यूज करो या फिर दूसरी वाली फायर ट्रिक का यूज करो, भाई सच्ची बता रहा हूँ ड्रैग का स्पीड आपको बिल्कुल ही कम रखना है, तभी आपका वन टैप जाने वाला गाइस। इसको बिल्कुल आराम से आपको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना भाई, तो इतना खुश होने की सकता नहीं है गाइस। अभी लॉन्ग रेंज वाला ट्रिक काफी इजी होता है, हर कोई बंदा लॉन्ग रेंज के अंदर वन टैप मार देता है आसानी से। तो अभी बात करते हैं गाइस अपन लोग शॉर्ट रेंज का वन टैप हेडशॉट ट्रिक। तो ये जो ट्रिक गाइस काफी इजी है अगर आपके पास हाई डिवाइस है, और अगर आपके पास लो डिवाइस है तो उनको कुछ थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा। तो पहले अपन बात करेंगे हाई डिवाइस वालों की। तो हाई डिवाइस वालों को क्या करना है, उनके लिए काफी इजी ट्रिक है। उनको बता दो की सेम जैसे लॉन्ग रेंज वाले बंदों को आपने वन टैप मारना, आपको वैसे ही शॉर्ट रेंज वाले बंदों को वन टैप मारना, सेम आपको ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा। बट आपको जो अपने जो फायर बटन का जो ड्रैग का स्पीड है उसको काफी हाई करना पड़ेगा, मतलब आपको हाई स्पीड से फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। और अगर आप दूसरी वाली ट्रिक का यूज करने वाले हो तो उसके अंदर सबसे पहले फायर बटन को हाई स्पीड से नीचे करना है, फिर आपको हाई स्पीड से फायर बटन को ऊपर की तरफ इसको ड्रैग कर देना है। अब जिनके पास लो डिवाइस है उनके लिए भी ट्रिक काफी इजी है भाई, उनको भी खुश कर देता हूं मैं। तो उनको क्या करना है, सेम आपने लॉन्ग रेंज वाली ट्रिक के अंदर किया वैसे ही आपको शॉर्ट रेंज वाली ट्रिक के अंदर करना होगा। बट रुक रुको गाइस, आपको बस अपना जो फायर बटन ना उसको पूरा पूरा हाई स्पीड से आपको सातवें आसमान की स्पीड से आपको फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। गाइस मतलब आपको पूरा हाई स्पीड से फायर बटन को ऊपर की तरफ ड्रैग करना, ठीक है? और अगर आप दूसरी वाली ट्रिक का यूज करें तो उसके अंदर भी सारा प्रोसेस पूरा हाई स्पीड से होगा। तो फाइनली गाइस अपना शॉर्ट रेंज वाला ट्रिक कंप्लीट हुआ। तो अभी बात करते हैं अपन लोग क्लोज रेंज वाली वन टैप ट्रिक की। तो क्लोज रेंज के अंदर क्या करना पड़ेगा, अपना जो एम है गाइस वो अपन को वाइट करना पड़ेगा, ये कुछ अलग है यहाँ पर। तो वाइट एम करना पड़ेगा, और वाइट एम आप किधर भी सेट कर सकते हो, एनिमी के राइट ऊपर की तरफ या फिर लेफ्ट की तरफ किधर भी सेट कर सकते हो। और फिर अपन को रोटेशन ट्रैक करना पड़ेगा, और रोटेशन ट्रैक का प्रोसेस काफी आसान है। पहले अपना जो फायर बटन है पहले थोड़ा सा नीचे करो फायर बटन को, देन आपको घुमा के इसको यहाँ पर ऐसे रोटेशन ट्रैक कर देना होगा। और यहाँ पर रोटेशन ट्रैक का स्पीड बिजली से भी तेज होने वाला है, तो रोटेशन ट्रैक का स्पीड पूरा अपन को हाई करना पड़ेगा। आपको हाई स्पीड से रोटेशन ट्रैक करना है तब जाकर वन टैप लगने वाला आपका। और जिनके पास हाई डिवाइस है तो उनको भी नॉर्मली रोटेशन ट्रैक करना है, बट स्पीड उनका भी ज्यादा होगा, बट इतना भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक ठीक उनका रोटेशन ट्रैक का स्पीड होगा। तो अभी बात करते हैं सेटिंग की। तो सेटिंग के अंदर आपको नॉर्मली आपको दोनों सेंसिटिविटी को हाई करना होगा, कंट्रोल आपका डिफॉल्ट रहेगा, और अगर आपका मोबाइल पीरो है तो आपको सारी सेटिंग को अल्ट्रा हाई कर देना होगा। अब बात करते हैं रिकॉइल की। तो रिकॉइल तब होता है जब आपका जो फायर का स्पीड है वो कम ज्यादा होता है, ठीक है? अगर आप शॉर्ट रेंज के अंदर फायर का स्पीड सबसे हाई रखते हो, बिजली की स्पीड से भी ज्यादा
ज्यादा रोटेशन ट्रैक करते हो या फिर ज्यादा हाई स्पीड से ड्रैग करते हो तो आपका गन रिकॉइल कर देगा, आपका गोली सर के ऊपर से चला जाएगा। और हम लोग ड्रैग का स्पीड थोड़ा कम रखे तो अपना बॉडी शॉट जाएगा। तो नॉर्मली गाइस जिस रेंज में आपको जिस स्पीड से पार का ड्रैग करना चाहिए आपको उसी स्पीड से ड्रैग करना पड़ेगा। तो गाइस आप ड्रैग का स्पीड पर काफी फोकस करना, ट्रेनिंग ग्राउंड के टाइम ड्रैग का स्पीड सही रखते हो तो उसके अंदर आप नोटिस करते हो ना। और आप जब आप मैच खेलते हो तो आपको ड्रैग का स्पीड पता नहीं क्या रख रहे हो, आपको ये भी नहीं पता होता एम किधर सेट किया अपन ने। तो बस ट्रेनिंग ग्राउंड में आप गाइस प्रैक्टिस करते रहा करो और साथ में आप मैच खेलते टाइम भी ड्रैग का स्पीड एम किधर सेट करें सब कुछ ध्यान रखा करो। और साथ में गाइस अपना जो एम है वो आपको पहले से ऊपर की तरफ करके चलना होगा, मतलब थोड़ा नीचे एम करके अपन को नहीं चलना। अपन नीचे एम करके चलेंगे तो वन टैप नहीं जाएगा, पहले से ऊपर की तरफ एम को करके चलो। अब जाके ट्रिक को ट्राई करो भाई और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा।